हिमाचल प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के बाद बड़े प्रशासनिक फेरबदल के कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि फिलहाल कोई भी प्रशासनिक फेरबदल नहीं होगा। बुधवार को सुखविंदर सिंह सुक्खू शिमला से दिल्ली के लिए रवाना हो गए। दिल्ली में सीएम कांग्रेस आला नेताओं से मिलने के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे, जबकि राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा में भी सीएम सहित कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और सभी विधायक इसमें शामिल होंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दिल्ली रवाना होने से पूर्व शिमला में मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि दिल्ली में पीएम से मिलने का टाइम मांगा गया है, उनसे शिष्टाचार भेंट करनी है। इसके अलावा कांग्रेस के नेताओं से मिलना है और मंत्रिमंडल विस्तार पर भी चर्चा होनी है। तबादलों को लेकर सुक्खू ने कहा कि वे सत्ता के लिए नहीं, व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए हैं। अभी डीसी एसपी के तबादलों पर कोई विचार नहीं है और अभी डीसी एसपी को काम करने को कहा गया है। विधानसभा सत्र को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि 28 से 30 दिसंबर के बीच सेशन कराने की बात चली है, यदि नहीं हो पाया तो 15 जनवरी के बाद ये सत्र करवाया जाएगा। देखिए, केंद्रीय नेतृत्व से मिलना है और भारत जोड़ो यात्रा में जो राहुल गांधी चल रहे उस यात्रा में हमने जाना है। हम ये कह सकते हैं कि हमारी जो सरकार है वो जनता के हित में और जनता के हित के लिए बनी है। अभी तो हमारी जो कैबिनेट का विस्तार होना है उस सिलसिले में भी चर्चा करनी है और इस दृष्टिकोण से कि जिनके जो कार्य है उस कार्य को कैसे आगे बढ़ाया जा सके। विधानसभा का सेशन दो प्रकार से विचार किया जा रहा है, या तो वो 28, 29, 30 को होगा, लेकिन टूरिस्ट सीजन होने के कारण मैंने कहा है कि इस पर हम पुनर्विचार कर सकते हैं, या फिर वो 15 जनवरी के बाद होगा। सर, प्रधानमंत्री से भी मिलेंगे क्या? मैं टाइम अभी हमने प्रधानमंत्री से मिलने का भी हमने कर्सी कॉल के लिए उनके पास जाना है, अभी मैंने टाइम नहीं मांगा है क्योंकि पहले दिल्ली की जो बैठकें और जो हमारी रेजिडेंस कमिश्नर है उसको बोला है, जल्दी हम प्रधानमंत्री से भी मिलने का प्रोग्राम बनाएंगे। देखिए, मंत्रिमंडल की चर्चा करने जा रहे हैं, विस्तार जिस दिन होगा उस दिन आपको बता दिया जाएगा। भारत जोड़ो यात्रा का भी कोई? हाँ, भारत जोड़ो यात्रा में मैं प्रदेशाध्यक्ष सभी विधायक उस यात्रा में जा रहे हैं। कल हम उस यात्रा में शामिल होंगे और 16-17 तारीख को हम दिल्ली आएंगे। फिर हमारे जो केंद्रीय नेतृत्व है उनसे बातचीत की जाएगी, फिर उसके बाद बातचीत करने के बाद फिर मैं वापस शिमला आऊंगा, फिर आपसे बात करूंगा। प्रशासनिक फेरबदल, मैंने कहा ना, हम सत्ता के लिए नहीं चाहते। अभी मेरे ध्यान में कोई प्रशासनिक फेरबदल नहीं है। नीड बेस पर प्रशासनिक फेरबदल होगा। हमने काम बांट दिया है, सभी डिप्टी कमिश्नर्स को हमने काम दिया है, टारगेटेड काम है, और अगर सभी अच्छा कार्य करते हैं, प्रदेश के हित में कार्य करते हैं, तो ये रिवाज बदलना होगा कि हम आए सत्ता में और फटाफट डीसी एसपी चेंज कर दे, ट्रांसफर कर दे, इस दृष्टि से मेरा कार्य प्रणाली नहीं है। मैंने कहा है कि हम सत्ता के लिए नहीं चाहते, हम व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए हैं। इसीलिए कई लोग ये समझते हैं कि हम आते ही सत्ता में बदले, ऐसा नहीं है। हमने काम करना है, हम काम के लिए आए, हम कोई ट्रांसफर करने नहीं आए। जहाँ जरूरत होगी वहाँ ट्रांसफर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।